Yes, students, today, Chapter 5, Business Cycles, Economics. अरे गायब हो गया इकोनॉमिक्स, क्यों गायब हो गया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओवरऑल सिचुएशन, ओवरऑल, ठीक है, एकदम बड़ा बड़ा बात करेंगे इसमें. बिजनेस साइकिल, ठीक है, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल चंदू का या बिजनेस साइकिल इस्माइल का या बिजनेस साइकिल रॉबर्ट का. दोस्त, यहां बिजनेस साइकिल हम कर रहे हैं बड़े बड़े कंट्री का, हो सकता है इंडिया का बिजनेस साइकिल, हो सकता है चाइना का बिजनेस साइकिल, यूके का बिजनेस साइकिल, अलग अलग कंट्री का अलग अलग बिजनेस साइकिल. दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड साइकिल. ठीक है, साइकिल साइकिल. और जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे, पापा से जिद किया करते थे कि पापा पापा मुझे बाईसाइकिल चाहिए. अब वैसे तो मुझे याद है, मेरी इंग्लिश टीचर मुझे बोलती थी, दिस इज नॉट कॉल्ड बाईसाइकिल, दिस इज कॉल्ड बाईसिकल, बाईसिकल. अब भैया, इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे तो बड़ा अच्छा अच्छा प्रोनंसिएशन सिखाते थे मैम लोग, बाईसिकल बोलते हैं, बाईसाइकिल नहीं बोलते. बट यार, मज़ा तो बाईसाइकिल बोलने में आता है. तो अपने इधर भी बिजनेस साइकिल ही बोल रहे हैं, ठीक है, अपने को तो भाई मज़ा आना चाहिए. उसी प्रकार से पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए, मज़ा ज़रूर आएगा. इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिटेल में पढ़ना है, समझना चीज़ों को, ठीक है. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल्स. अब एक बात बता दे रहे भैया, साइकिल का जैसे पहिया गोल होता है, गोल होता है गोल, बाईसाइकिल मतलब दो पहिया होता है बाई, और ट्राईसाइकिल मतलब तीन पहिया, ठीक है. बट यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है साइकिल. अच्छा जी, तो साइकिल में क्या होता है भैया, ये गोल होता है, दुनिया गोल होता है, यहां से शुरू हो रही है, हो रही 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 हो रही, यहां खत्म हो गया. तो साइकिल में मतलब भैया ये है कि कहीं से स्टार्ट है तो कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, ठीक है. तो दिस इज राइजिंग अगेन, लेट्स से अगर ये यहाँ ऐसा है तो ये तो भैया राइज हो रहा है, चलो यहाँ तक राइज हुआ, फिर यहाँ से गिरा, फिर और गिरा, फिर उठा. तो ये गिरने उठने की प्रतिक्रिया गोल गोल है, साइकिल है, ठीक है. तो बिजनेस साइकिल, बिजनेस का तो मतलब अपने को पता है, बिजनेस में क्या करते हैं अपने? ऑफ कोर्स सर, बिजनेस में हम लोग ट्रेड करते हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, राइट. अब इमेजिन करो, जबरदस्त बिक्री हो रहा है, लाइन लगा के लोग खरीद रहे हैं, लाइन लगा के, अरे भैया दो जल्दी दो जल्दी दो. और एक जमाना ऐसा आया कि यार कोई आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया है, घर जाऊंगा तो बीवी बोलेगी आज भी खाली हाथ आए, कुछ लेकर नहीं आए, अरे क्या करूं भाग्यवान, ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं. अरे बट 6 महीने पहले तक तो आप एकदम कूद रहे थे, और मुझे याद है 100 रुपया का माल आप 300 रुपया में भी चिपका रहे थे ग्राहक को, आपकी लालच के कारण ऐसा हुआ है आज, 300-300 रुपया में 100 रुपया का. अरे मैं क्या करूं, उस समय डिमांड था भाई, अपने पास सिर्फ 50 पीस थे और ग्राहक अपने पास 150 ग्राहक थे, तो क्या करें भैया, धीरे धीरे लालच आया कि चलो ठीक है, जो ज़्यादा दाम देगा उसको दे देंगे. मैंने तो सही काम किया, मैं नहीं करता तो सामने वाला रज्जो भी वही कर रहा था, मैं क्या करूं, तुम मुझे डांट रही हो, हाँ मत करो ऐसे प्लीज़. तो एक ज़माना था भैया जब बड़ा 100 रुपये का माल 300 में बेच रहे थे, और आज ग्राहक ही नहीं है. आज तो बल्कि ग्राहक को बोला, अरे भैया और रामलाल भैया और ले लो भैया, अरे आपके लिए, आप तो हमारे हो, हमारे ही गांव के हो, भैया ले लो 70 रुपये में. आज तो कोई 70 में भी नहीं लेना चाहता है, मैं क्या करूं. तो ये ऐसा जो सिचुएशन होता है, यही बिजनेस साइकिल है. आइए देखते हैं, समझते हैं बिजनेस साइकिल को और डिटेल में समझेंगे. तो बिजनेस साइकिल, तो ये पूरा मीनिंग हम समझ लेंगे आज, बिजनेस साइकिल क्या होता है. उसके बाद डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल.
डिफरेंट फेज होता है, फेज। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फेज। अब इस फेज से मेरे को पता क्या याद आता है, और मैं बच्चा था, मैं चाइल्ड था, ये भी मेरा जिंदगी का एक फेज था। उसके बाद यू नो मैं एडोलेसेंट हुआ, एडोलेसेंट, जवान हुआ, नई नई फीलिंग्स आने स्टार्ट हुई, फीमेल्स को देखने का मन करना शुरू हो गया, उनसे दोस्ती करने का भी मन शुरू हो गया, उनसे प्यार करने का भी मन शुरू हो गया, शादी करने का भी मन में आया ख्याल। अरे शादी का क्या, मैं तो बाप बनने का भी ख्याल आया था। खैर मैं अपना बात कर रहा हूँ, यही सिचुएशन, यही फेज, यही एडोलेसेंट का फेज आज आप के साथ है। उसके बाद भैया एक दिन ऐसा आएगा, अडल्ट बन जाओगे, शादीशुदा हो जाओगे, बच्चे आ जाएंगे, जिम्मेदारी आ जाएगी, और धीरे धीरे भैया ओल्ड एज के तरफ भी पहुंच जाओगे। तो दीज आर ऑल फेजेस ऑफ लाइफ मेरे भाई, फेजेस ऑफ लाइफ। ओल्ड एज में देखोगे कहीं पार्क में बैठ के हरि कीर्तन कर रहा हूं मैं, हरे रामा 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 हरे हरे, वही क्या करें, फेज ऑफ लाइफ है। अब मौत से डर लग रहा है, अब मरने का दिन नजदीक है, तो डर के मारे बहुत लोग राम का नाम जपना शुरू कर देते हैं। भैया किसी को ऑफेंस नहीं कर रहा हूं मैं, वैसे किसी का बेइज्जती भी नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा साइकोलॉजी है, आप नहीं समझोगे क्योंकि आपका फेज तो अभी एडोलेसेंस है, राइट। अभी आपको ये सब क्या समझ में आएगा, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग सर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन राम एंड श्याम एंड घनश्याम, बट वी आर इंटरेस्टेड इन, यू नो इट, ओके। सो मैं नहीं बोलूंगा सब बात, मैं नहीं बोलूंगा। तो फेज फेज फेज, सो डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस। मैं आपकी जिंदगी का फेज बता रहा था, राइट। तो जिंदगी का फेज तो नहीं है, आज अपना टॉपिक है भैया इकोनॉमिक्स। तो डिस्क्राइब द डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ये भी डिस्क्राइब करेंगे हम, ठीक है। हम करेंगे, आप देखेंगे, देख कर आप समझेंगे, समझ कर आप एग्जाम में लिखेंगे, लिख कर आपको नंबर मिलेगा, आप भी एक नए फेज में चले जाओगे। सीए फाउंडेशन के फेज से निकल कर आप सीए इंटर के फेज में चले जाओगे, ठीक है। तो आप समझ चुके हो फेज। अब इसके बाद भी कुछ है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। बिजनेस साइकिल के क्या क्या फीचर्स है, क्या होता है, क्या अलग अलग टाइप के साइकिल है, उसके क्या नाम है, तो उसके फीचर्स भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहले पहले कुछ और बता दूं, फेजेस को चलो जब बात ही कर रहे थे तो पहले फेजेस भी जान लो। एक होता है एक्सपेंशन फेज। आहा सर, जैसे हम बड़े होते हैं, हम एकदम छोटे से बच्चे होते हैं सर। हाँ जी होते हो, पालने पे हो आप। अब यार ड्राइंग ख़राब है मेरी, और लेट से एक छोटा सा बच्चा जिसका हाइट ऐसा है, 1 फीट का हाइट है, 1 फीट, वो छोटा सा बच्चा 2 फीट का हुआ, वो छोटा सा बच्चा 3 फीट का हुआ, वो छोटा सा बच्चा 4 फीट का हुआ, वो छोटा सा बच्चा 5 फीट का हुआ, अब वो छोटा सा बच्चा 5 फीट 1 इंच का हुआ, अब वो छोटा सा बच्चा 5 फीट 2 इंच का हुआ, और अब क्या हो रहा है भैया, तेरा हाइट तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मैक्सिमम ग्रोथ जो होना था हो गया, अब 5 फीट 2 इंच के बाद इसका हाइट बढ़ना बंद हो गया, बहुत स्विमिंग कर रहा है, स्किपिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो ये जितने फेजेस है, इस फेज को हम कहते हैं एक्सपेंशन। इस फेज को हम कहते हैं ये बढ़ने वाला फेज है, ग्रोइंग फेज है, इस फेज को कहते हैं एक्सपेंशन फेज, ठीक है। ये तो समझ चुके हो आप, ये जो फेज है जहां एकदम मैक्सिमम और कुछ नहीं हो सकता, इसे कहते हैं पीक। तो ये दोनों फेज हमने आपको समझा दिया है भैया। अब सर कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रॉफ कैसे समझाएंगे सर, एग्जाम्पल तो आपने ह्यूमन बीइंग का ले लिया है सर, अब ह्यूमन बीइंग का हाइट क्या कम होगा क्या सर? अच्छा चलो, अगर आप समझ गए होगा, नहीं होगा तो ठीक है भैया, नहीं होगा भाई, ह्यूमन बीइंग का तो हाइट कम नहीं होगा, बट अपने क्या ह्यूमन बीइंग का बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं बिजनेस साइकिल का, ठीक है।
समझाने के लिए ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया तो मेरे ही पीछे पड़ गए तुम लोग तो, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल में ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये तब यहाँ से कुछ बढ़ने का चांस नहीं होता है तो घटना शुरू हो जाता है। इस घटने वाले सिचुएशन को कहते हैं, इस घटने वाले सिचुएशन को भैया कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और एक पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे तो हम घटेंगे भी नहीं भैया। अब इस पॉइंट के नीचे हम नहीं घटेंगे, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रॉफ। अब जब हम घटने से एकदम ठान लिए कि और नीचे नहीं गिरेंगे हम, और कितना नीचे गिरे भाई। अब जैसे देखो भैया, देखो बुरा मत मानना, एक एक बच्चा है, एक बच्चा है, वैसे तो दिल का सच्चा है। अब 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, तो बच्चा पहले तो भैया कमजोर हुआ करता था, बच्चा कमजोर हुआ करता था। तो 100 नंबर का पेपर तो अपने सबको पता है 100 नंबर का ही पेपर होता है। अब बच्चा कमजोर हुआ करता था, मैं इंक चेंज करना चाहता हूँ। तो बच्चा बोला कि भैया देखो मैं एकदम कमजोर हूँ। और उसके ज़िंदगी में एक गर्ल आई, गर्ल फ्रेंड आई, ठीक है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी भाई, ध्यान दीजिएगा। तो बट ये बच्चा थोड़ा सा मतलब 10-1 नंबर लाता था 100 में से, ज़्यादा नंबर नहीं लाता था। तो ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ यहाँ लेते हैं। तो गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड मिल गई, गर्लफ्रेंड भैया टॉपर थी, गर्लफ्रेंड का 90+ आता था, लड़का का नाम था आकाश। आकाश ने मन में ठान लिया कि ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है इसे तो मैं इम्प्रेस करके ही रहूँगा। तो आकाश 10 नंबर लाता था, आकाश धीरे 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 बढ़ा 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 बढ़ा। पर आकाश ने एक दिन स्कूल टॉप कर दिया, 100 में से 100 लिया है। तो भैया इस जो 100 में से 100 है इसे हम कहते हैं पीक, ठीक है, और ये जो है एक्सपेंशन। अब रिलेशनशिप में तो झगड़ा वगड़ा चालू हो गया, ठीक है, कुछ भी रीजन से आकाश और उसकी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का नाम पूजा, तो आकाश और पूजा में अब नहीं बन रहा है क्योंकि आकाश उतना पूजा करना बंद कर दिया जितना पहले करता था। अब झगड़ा शुरू हुआ, आकाश का स्कोर गिरना शुरू हो गया, आकाश का स्कोर गिरते 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 जीरो में आ गया भैया, जीरो में आकाश, जीरो में आ गया। अब एक बात बताइए, अब यहां आके समझ लो ब्रेक ऑफ ही हो गया। इस पॉइंट को कहते हैं ट्रॉफ, ठीक है। अब देखो बुरा मत मानना भाई, बुरा मत मानना, ह्यूमन हार्ट है, खूब मातम मनाता है, बट उसके बाद एक नई लड़की दिखती है आकाश को, प्रियंका। आकाश प्रियंका को इम्प्रेस करने के लिए धीरे 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 वापस पीक में आने का कोशिश करता है, और वापस से भैया प्रियंका के साथ भी झगड़ा हो जाता, धीरे 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 नीचे आ जाता। ये जो प्रोसेस है मेरे दोस्त, इस प्रोसेस को कहते हैं बिजनेस साइकिल, ठीक है, जहां पर एक्सपैंड होते हैं, पीक में पहुंचते हैं, फिर नीचे आते हैं। ओहो, नीचे आने का मामला को क्या कहते हैं, इस मामला को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये जो नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आने का जो प्रोसेस है, चलो आपको नहीं भी लिख रहा हूं तो आप समझ जाओगे, कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ बुक्स में, ठीक है। तो ये ह्यूमन नेचर हमने कुछ समझाया
कुछ बच्चों को अच्छा लगा, कुछ बच्चों को रास ना आया। बोला, सर को कैसे पता चला? सर को सब पता है। तो ये फेजेस का जो बात था वो हमने समझा दिया भाई आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फेजेस तो आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है? तो ये फेज सर आपने तो ऐसा बता दिया कि ज़िंदगी का ऐसा फेज है कि हम वैसे भी नहीं भूल सकते। तो कौन कह रहा भूलो, ठीक है? तो बिजनेस साइकिल का बात कर रहे हैं, ज़िंदगी को रिलेट करते हुए बात कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। ओके, एक्सप्लेन द जनरल कॉजेज, एक्सप्लेन द जनरल कॉजेज बिहाइंड दी साइकिल्स। अच्छा जी, आपके ज़िंदगी का साइकिल का नहीं, बिजनेस साइकिल का बात कर रहे हैं। क्या वजह है, क्या वजह है जो स्टार्टिंग किया हमने, एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके पीक किया, पीक करके कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके एकदम ट्रॉफ हो गए, नीचे एकदम बॉटम, रॉक बॉटम पहुंच गए। वजह क्या है, वजह जानेंगे हम, और उसके बाद एलुसिडेट द रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल। एलुसिडेट मतलब एक्सप्लेन करो ठीक से, द रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है? हाँ जी है। तो उस डिसीजन मेकिंग के बारे में भी कुछ बताइए, बताएंगे हम। तो चैप्टर ओवरव्यू है बिजनेस साइकिल्स, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रॉ। मीनिंग तो हमने मोर और लेस, चलो ठीक है। अब ये कॉज क्या होता है, ठीक है? ये एक्सपेंशन का कॉज, पीक का कॉज, कॉन्ट्रैक्शन का कॉज, ट्रॉफ का कॉज, क्या वजह है? अगर हम ओवरव्यू में बात करें, वजह कभी कभी वजह अंदरूनी होती है और कभी कभी वजह बाहर का होता है। तो इंटरनल, अब जैसे समझ लो अगर देश में जंग छिड़ गई है, वॉर हो गया, अगर वॉर का माहौल बन जाए तो बताओ बिजनेस जो एक पीक में था, बिजनेस यहां पर था, वॉर हो गया तो बिजनेस गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ जी गिरेगा। पोस्ट वॉर क्या होगा वो भी समझेंगे, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब वॉर वॉर खत्म हो गया, धीरे धीरे जो गिर गया था वो धीरे धीरे लिफ्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी करेगा। टेक्नोलॉजी शॉक हो गया कुछ, उसका क्या इंपैक्ट आता है, नेचुरल फैक्टर्स, ये सब डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब इंटरनल बातें। तो इससे भी बिजनेस साइकिल में, बिजनेस फेज में क्या फर्क आता है। फिर फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी का सप्लाई एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब कुछ पॉइंट्स है, ठीक है? इससे भी हमारे बिजनेस साइकिल में या अलग अलग फेज में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। और डिसीजन मेकिंग तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग साइकिल में क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन पे क्या सोचना है, क्या सोच के क्या एक्शन लेना है, क्या रिएक्शन देना है, ये भी पढ़ेंगे हम। अच्छा, ये क्लास कुछ बच्चे YouTube में देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, YouTube वाले बच्चे, YouTube में हम 100% लेक्चर्स नहीं दे सकते हैं, प्लीज़ आप इस बात को समझिए। YouTube में हमने प्रमोशनल लेक्चर्स डाले हैं। प्रमोशनल लेक्चर्स का मतलब क्या भैया? सीधा सीधी मतलब है कि आप BA CA क्लासेस के लेक्चर्स से अवगत होइए, राइट? आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में BA CA क्लासेस है जो CA इंस्टीट्यूट के मटेरियल को, ICAI के मटेरियल को लेकर पढ़ा रहा है। ये अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल सा है कि CA इंस्टीट्यूट ने पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। CPT वाले जितने भी टीचर्स हैं मार्केट में, वो पैटर्न एकदम बदल गया है। अब पैटर्न हो गया CA फाउंडेशन। CA फाउंडेशन पे अगर आप मई 2018 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो होश उड़ जाएगा। बच्चे को जितना इजी लगा था उतना इजी पेपर नहीं आया है, राइट? क्योंकि CA अब एक आराम से आओ, टिक करो, पास हो जाओ, वो कोर्स नहीं रह गया है। CA इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चे मेहनत करें, पढ़ाई करें। तो अगर मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, तो भैया एग्जाम कौन लेता है ये बताइए? एग्जाम लेने वाला बॉडी कौन है? एग्जाम कौन लेता है? मेरे जैसा कोई फैकल्टी एग्जाम लेता है?
नहीं जी, कौन लेता है एग्जाम? एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कौन सेट करता है? सेट करता ICAI। बच्चों को रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है? ICAI। बच्चे को टेक्स्ट बुक कौन देता है पढ़ने के लिए? बच्चे को टेक्स्ट बुक देता है ICAI। फिर जब बच्चा कोचिंग के लिए जाता है तो वहां के कोई फैकल्टी बोलते हैं भैया ICAI का किताब को डस्टबिन में फेंक दो। भैया कल तक ये पॉलिसी चल रहा था, ठीक है, आज ये पॉलिसी नहीं चलेगा क्योंकि ICAI के मटेरियल को अगर हम इग्नोर करते हैं और कोई शॉर्टकट में कोई पुराना नोट्स पढ़ के जाते हैं तो दोस्त पास होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये मैं आपको अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं। तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड ICAI का कवर करेंगे हम लोग। ICAI टेक्स्ट बुक का एक एक वर्ड, एक एक लाइन कवर करेंगे। और आप अपने घर पे आराम से एक एक लाइन पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आए तो हमें व्हाट्सएप करिए 9830175050। आज के दिन में बच्चे को चाहिए क्या पता है? सपोर्ट सिस्टम। अब आप एक खुद सोचो कि सपोर्ट सिस्टम कितना जगह पे मिल रहा है। बच्चे को क्लासेस मिल जाएंगे, 100 बच्चा साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अब बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया, टीचर पढ़ाए जा रहा है, बच्चा के हिम्मत नहीं होता 100 बच्चे के सामने हाथ ऊपर खड़ा करके बोले कि सर मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई, राइट? बट हम ये ऑप्शन क्या दे रहे हैं हम आपको? हम आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दे रहे हैं। आज के दिन में आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कॉल कर लीजिए, हमारे पास पूरे के पूरे टीम बैठे हुए हैं, आप ईमेल करके कोई सोल्यूशन पूछ लीजिए, पूछिए जितना पूछना है पूछिए, क्योंकि हम बैठे ही आपके सपोर्ट में हैं। हमारा मेन फीचर है आपका सपोर्ट करना, हमारा मेन फीचर है आपके मन से डर को हटाना, क्योंकि लेक्चर्स तो हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बेस्ट टू बेस्ट दे ही दे रहे हैं, उसके बाद हम तो फ्री बैठे हैं आपके लिए। बच्चा हमें मुझे डायरेक्ट फोन करे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डायरेक्ट फोन करे कि सर आपने ये पढ़ाया समझ में नहीं आया, बट मैं कोशिश ऐसा कर रहा हूं कि लाइन बाय लाइन आपको समझाऊं, ठीक है, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, नहीं समझ में आना है ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद दोस्त खत्म नहीं होता कहानी, उसके बाद हमारे पास है LMS सिस्टम, दिस इज कॉल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप कैसा लर्न कर रहे हो हम उसको मैनेज करेंगे यहां बैठ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप अपने घर पे एक क्विज लेते हो, हम आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे यहां पर। आप अपने घर पे जो क्विज ले रहे हो, समझ लो 20 मार्क्स में से आपको मिला है 10 नंबर, पता संग संग जैसे ही आपने क्विज लिया मेरे यहां पर अलर्ट आ जाएगा कि विशाल नाम का बच्चा ने क्विज लिया है और उसने 10 नंबर स्कोर किया। वापस से विशाल क्विज लेगा, फिर से कुछ पढ़ेगा, फिर से क्विज लेगा, अगर 10 से 15 आ रहा है तो ठीक है, 15 के बाद 18 आ रहा है तो ठीक है। अगर वापस से विशाल का कहीं ना कहीं बहुत मेजर गलती हो रहा है, वो कुछ ना कुछ एरर किए जा रहा है, हमारे ऑफिस से फोन चला जाएगा विशाल के पास कि भैया विशाल क्या बात है, कहाँ परेशान हो रहे हो, तुम्हारे ये क्वेश्चन बार बार तुम गलत क्यों कर रहे हो, ठीक है। और क्या करेंगे हम आपके साथ? हम आपको देंगे, ये ऑप्शनल रहता है, अगर कोई बच्चा चाहे कि सर हम कैसा आंसर लिख कर आ रहे हैं। देखो इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम सबको हिंदी में अच्छे से समझ में आता है, जब मैं हिंदी में समझाता हूं आपको सब समझ में आता है, बट एग्जाम में आपको इंग्लिश में लिख कर आना है, और बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश बड़ी कमजोरी है। इसीलिए मैं इंस्टीट्यूट के मटीरियल का इंग्लिश को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूं और उसको आराम से समझाता हूं, ताकि आप लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज लिख करा सको। आपको मैं दूंगा एक मौका मॉक टेस्ट का, आप मॉक टेस्ट का इवैल्यूएशन कराइए। आप अपना आंसर लिखिए, उसको स्कैन करिए, हमारे पास भेजिए। आपके आंसर्स लिखने के स्टाइल में कहां क्या गलती है ये हम आपको पहले ही बताएंगे, राइट? दीज आर ऑप्शनल सर्विसेज,
इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक दीज सर्विसेज, ठीक है। तो बहुत सारा इवेल्युएशन प्रोसेस में रहेंगे। और आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, CA फाउंडेशन, बच्चों हमारे पास जो कंटेंट बन के आ रहा है 500 घंटे का कंटेंट है, 500 आवर्स का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स 500 आवर्स का कंटेंट। उसके बाद भी जैसे जैसे नए पेपर्स आएंगे, नए एग्जामिनेशन होते रहेंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो भी अपडेट आएगा, लेटेस्ट अपडेट बाय ICAI विल ऑलवेज बी इनकॉर्पोरेटेड। तो आगे अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। ये एक घंटे का लेक्चर हम अभी YouTube में डाल रहे हैं, बट उसके बाद का लेक्चर आपको नहीं मिल सकता है। कुछ लेक्चर्स हमने इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी डाल रखे हैं। सो यू नीड टू कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस इफ़ यू लाइक आवर स्टडीज़। इफ़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं कि भाई हम काम अच्छा कर रहे हैं, मेहनत अच्छा कर रहे हैं, तो आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट बनिए, जिससे हम आपको सही तरीके से गाइड कर पाएँ। इफ़ यू फील कि हम आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी आपका सेवा करके। सो हियर वी आर, इंट्रोडक्शन पे आ गए हम। अब ये इंट्रोडक्शन में दो एग्जांपल दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये एग्जांपल पढ़ेंगे तो ये दो अलग अलग बिजनेस साइकिल के बारे में है। ड्यूरिंग 1920, ये 1920 का बात कर रहा है, लगभग 100 साल पहले है, क्योंकि अभी हम 2018 में हैं, सो 98 ईयर्स अगो का बात हो रहा है। यूके सॉ रैपिड ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। अगर किसी बच्चे को समझ लो GDP का मीनिंग नहीं मालूम है, समझ लो, बहुत मैक्सिमम को तो मालूम होगा, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सीधा सीधी ये समझ लो, ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब भैया धंधा अच्छा चल रहा था, जितना भी बिजनेस हो रहा है, जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी सर्विसेज हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सब में ग्रोथ है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो हर चीज मल्टीप्लाई हो रहा है समझ लो। तो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ है, इसका मतलब यह कि 1920 में यूके सॉ रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, द वर्ड इज रैपिड ग्रोथ, बड़े ही तेजी से। अब समझ लो कहीं दो बंदा रेस लगा रहा है, दौड़ तो दोनों रहा है, राइट, पर ये जब तक ये यहां पहुंचा बेन जॉनसन यहां तक पहुंच गया, तो ये रैपिड, रैपिड मतलब हाई स्पीड में, कौन ज्यादा ग्रो किया, ये ग्रो किया। तो ये 1920 का बात है, यूके का बात हो रहा है, यूके बड़ा ही तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है, मतलब यूके में जबरदस्त तरीके से बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, बिक्री हो रहा है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, सब बड़े खुश है, जबरदस्त धंधा, आहा, एकदम लग्जरी, नए नए प्रोडक्ट्स, वाओ। सो दिस इज व्हाट यूके इज इन 1920। अब देखो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ यहां पर, प्रोडक्शन लेवल्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ग्रोथ किस में आया, जीडीपी में ग्रोथ का मतलब ही यही होता है दोस्त, जीडीपी का ग्रोथ अगर हो रहा है, जीडीपी इज ग्रोइंग, उसका मतलब ही यही है कि प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब, क्योंकि सारे प्रोडक्शन को, सारे सेल्स को, सारे सर्विसेज को जब हम ऐड करते हैं तो वो होता है जीडीपी, तो अगर ये बढ़ गया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया, अरे यार एक से एक नया नया प्रोडक्ट्स आ रहा है, जैसे ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे, कंज्यूमर खरीद रहे, तो ऐड हो रहा है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो ठीक है भैया, एकदम ग्रोथ ही ग्रोथ है, सुनहरा सपना 1920, यूके में जितने लोग 1920 में उस समय जीवित थे बड़ा ऐश कर रहे थे। अब जैसे अभी इंडिया में हम 2018 में हैं, पापा से जाके पूछो, अरे बेटा क्या बोले, बिजनेस का हालत बड़ा खराब है,
पापा पापा 2 साल 3 साल 4 साल हो गया सुनते हुए कि बिजनेस का हालत खराब है, कब सुधरेगा? अरे बेटा सुधरेगा, आप देखो कब सुधरेगा क्या पता, मेरे अकेले के हाथ में थोड़ी ना, पापा ऐसा बोलेंगे आपको, मेरे अकेले के हाथ में थोड़ी ना, मैं तो अपना तरीका से काम कर रहा हूँ। और देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एक व्यक्ति के अकेले के हाथ में नहीं है। अब देखो गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ करने का कोशिश करती है। अरे मोदी जी भी अकेला कुछ नहीं कर सकते, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब आरबीआई जो है, आरबीआई बोलता है चलो मैं इंटरेस्ट रेट पे कट करता हूँ। कट क्यों कट कर रहा हूँ भैया? कट करने से ज़्यादा लोग लोन ले पाएंगे, जितने लोगों का काम अटका हुआ है वो लोन लेंगे, पैसा आएगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो माल बिक्री होगा, बिक्री होगा तो धंधा होगा, धंधा होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो भैया बच्चे हंसेंगे, घर पे खुशहाली आएगी। तो रेट कट कर देते हैं भैया, इंटरेस्ट रेट कट कर देते हैं। तो सोचो एक आरबीआई का गवर्नर उर्जित पटेल है शायद अभी, वो भी अकेला कुछ कर नहीं सकता, बट वो कोशिश कर सकता है, कोशिश की क्या पता रेट कट करने से बिजनेस का साइकिल घूम उठे। मोदी जी भी बोलते हैं क्या पता मैं फॉरेन से पैसा ले आऊं, मैं जा रहा हूं विदेश यात्रा कर रहा हूं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ जाए तो हमारे देश का बिजनेस साइकिल इंप्रूव हो जाए। तो भैया बहुत लोग अपने अपने ध्यान से कोशिश करते हैं, बट अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं हो सकता अकेला। तो रेट कट, तो जीडीपी का बात हो रहा था, 1920 का बात हम कर रहे हैं, यूके का बात कर रहे हैं। यूके में रैपिड ग्रोथ हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया, अच्छी बात है जी। तो ये हम जो बात कर रहे हैं ना दोस्त, ये एक्सपेंशन इकॉनमी का बात कर रहे हैं, इकॉनमी बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, और होते होते ये कहाँ चला जाएगा, ये बूम में चला जाएगा, बूम में चला जाएगा या पीक हो जाएगा एक दिन, पीक। ओके पीक, पीक में पहुंचने के बाद अपने को पता ना, अब 100 में से 100 मिल गया, 101 तो मिलना नहीं है ये, तो अभी ये 100 की तरफ बढ़ रहा है। अरे जब बच्चा बढ़ता ना सब बड़ा खुश होता, अरे आकाश को देखा, अरे कल तक फेल होता था, अरे भैया आकाश को पता नहीं क्या हो गया है, अरे लास्ट एग्जाम में 60 नंबर लेकर आया भाई, मेरी 55 आई थी यार, आकाश ने 60 लाया यार, अब यार आकाश अपने लेवल के बाहर चला गया। अभी कौन डिस्कस करा, फेलियर वाले बच्चे जो कल तक फेल होते थे आकाश के साथ, 20-25 नंबर लाते थे, आकाश 10-15 नंबर लाता था, और वो 20-25 वाले तो 20-25 में रह गए और आकाश सीधा 60 पे पहुँच गया। अब 60 या 65 वाले बच्चे बोला, अरे यार आकाश वेल डन यार, यू डूइंग गुड। आकाश बोला यार 60 क्या, मैं तो 100 तक पहुँचना है, मैं अभी हाई स्पीड में हूँ। आकाश एकदम दिल लगा के पढ़ाई कर रहा है, दिल लग चुका है ना आकाश का, तो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो चलो आगे देखते हैं, द ग्रोथ, ये ग्रोथ जो आकाश जो इतना जबरदस्त ग्रो कर रहा है उसके पीछे आग क्या है, ऐसा एनर्जी कहां से आ रहा है भाई? अरे एनर्जी आ रहा है ना वो पूजा जो उसकी गर्लफ्रेंड जो टॉपर है, राइट, आकाश को वहां से एनर्जी मिल रहा है। तो ये बताइए, ये तो आकाश का बात था, बट अगर हम इकोनॉमी का बात करें तो इकोनॉमी को एनर्जी कहां से मिल रहा है, फ्यूल कहां से मिल रहा है, फ्यूल, एनर्जी, फ्यूल। तो ग्रोथ वॉज फ्यूल्ड, देखो क्या लिख रहा है, द ग्रोथ वॉज फ्यूल्ड, कौन सा ग्रोथ का बात कर रहे हैं, यूके का ग्रोथ का बात कर रहे हैं। यूके का ग्रोथ को एनर्जी कहां से मिल रहा था, फ्यूल कहां से मिल रहा था, बाय न्यू टेक्नोलॉजीज। अरे भैया ये बात है क्या? हां जी, 1920 में पता क्या था, एक नया, कुछ साल पहले ही ग्रेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, उससे पहले लोग घरों पे काम किया करते थे, घरों पे काम जो करते थे उसको कहते थे कॉटेज इंडस्ट्री, घर पे काम होता था, चरखा चलाया जाता था, औरतें घर पे काम करते थे, छोटे मोटे बर्तन बनाया करती थी, सिलाई बुनाई का काम किया करते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब आया इंडस्ट्री, इंडस्ट्री आने का मतलब क्या, एक जैसा सिमिलर प्रोडक्ट लाखों के तादाद में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसे कहते हैं असेंबली लाइन, असेंबली लाइन। आगे आएगा, हम पढ़ाएंगे दिखाएंगे, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे एक असेंबली लाइन का, ठीक है, तो असेंबली लाइन का भी वीडियो दिखाएंगे हम आपको। तो बट ये ग्रोथ जो हो रहा था यूके में, ग्रोथ क्यों हो रहा था, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए थे, नए नए टेक्नोलॉजीज और नए नए प्रोडक्शन के प्रोसेस आ गए थे। माल बनाता था पहले घर पे बैठ के इंसान, ठीक है, लेबर बोलकर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था मेरे दोस्त,
हर आदमी अपना मालिक हुआ करता था, अपने घर पे काम किया करता था। कुछ बड़े लोग जो थे उनके पास पैसे थे, वो पैसे देकर घरों पे के बैठ के काम करा लिया करते थे। ये जो लेबर का मतलब है कि फैक्ट्री खुली और फैक्ट्री पे घर छोड़कर लोग एक जगह बैठ के काम करना शुरू किए, तो आया कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। तो 1920 में पहले ऐसा फैक्ट्री का कोई सिचुएशन नहीं हुआ करता था। बड़े बड़े पैसे वाले लोग बड़े बड़े फैक्ट्रीज खोले, बहुत पैसा कमाएंगे भैया, लोग तो गरीब थे ही, आओ गरीब लोगों को लेबर बना लो। और दे दनादन उनकी पिटाई किया करते थे यार, बड़ा बदतमीजी बदसलूकी किया करते थे लेबर के साथ, उनका पैसा भी नहीं दिया जाता था। तभी तो बाद में आया बहुत सारे लेबर लॉ, जो आज इंडिया में भी हम पढ़ते हैं ना, लेबर लॉज, क्योंकि अत्याचार होता था उनके साथ। और वो पैसे वाले लोग जो कैपिटलिस्ट थे, जितने भी पैसे वाले लोग थे, सब मिलकर बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर दिए। और शेयर मार्केट भी आ गया, स्टॉक मार्केट भी आ गया, उनका पैसा और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पैसे वाले और पैसे वाले होते चले गए, गरीब और गरीब होते चला गया। टेक्नोलॉजी ज़रूर आया, टेक्नोलॉजी ज़रूर आया। टेक्नोलॉजी आने से चलो लिविंग स्टैंडर्ड में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो माल बना रहे थे, बेचना तो भैया किसी ना किसी को है। बड़े बड़े लोग माल बनाते हैं, बट बेचते तो गरीब को है ना। गरीब भैया मेहनत कर रहा है, मेहनत करके पैसा लेके जा रहा है, वापस से वो पैसे से वो माल खरीद ले रहा है। आज अपना हाल तो देख लो, आज अपना हाल देख लो भाई, क्या है अपने सबका क्या हाल है। पापा लोग बोलते रहे भैया तुम लोगों का ज़माना में तो भैया बड़ा महंगाई आ गया। आ गया क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, क्योंकि बच्चा देखता भी क्या खरीद लूँ, क्या खरीद लूँ, क्या खरीद लूँ। नए नए टॉयज, नए नए खिलौने, नए नए गैजेट्स, अंत ही नहीं हो रहा यार। पहले विश्वास करो, दिवाली होली में उस पापा टेलर के पास ले जाते थे, चलो भैया चार पैंट शर्ट खरीद लो। आज का दिन में देखो इतने सारे शॉपिंग मॉल, इतने मोबाइल पे मैसेजेस आ जाते हैं, आइए हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% ऑफ, 40% ऑफ, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट। कितना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम लोग, सेटिस्फाइड ही नहीं है हम लोग। अरे मेरे पास तो यार अच्छी अच्छी वाली पेन भी नहीं है। अरे पेन यार एक पेन एक रुपया का हो, बस पेन हो गया। आज का दिन में तो पेन भी 10-10 हज़ार लाख लाख रुपया तक का तो पेन पेंसिल बिक रहे हैं भाई, शार्पनर। तो सोचो किस अलग लेवल पे प्रोडक्शन पहुंच गया। माल बन रहा है तो माल बिक भी रहा है। लोगों के पास बाइसिकल, बाइसिकल जो मैंने शुरू किया था यार, उस जमाने में 100-150-200 रुपये का बाइसिकल आता था जब मैं छोटा बच्चा था। आज के दिन में 14,000-15,000-50,000 लाख लाख रुपया गियर वाला बाइसिकल, ओ माई गॉड, मतलब सोच सोच के हैरान हो जाता हूँ कि क्या करूँ। तो भाई ज़माना बदल गया है, तो ठीक है। सो ग्रोथ वॉज फ्यूल्ड बाई न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस सच एज द असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ असेंबली लाइन का, ठीक है। असेंबली लाइन का ये वीडियो देखो, बड़ा मज़ा आएगा, अभी ले चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड असेंबली लाइन माय फ्रेंड्स। ये देखो एक ही लाइन पे पूरा गाड़ी बनते जा रहा है, अब देखते रहो। अबाउट 16 व्हीकल्स आर बिल्ड एवरी 60 सेकंड्स, जस्ट इमेजिन। ये 1920 में ऐसा ही असेंबली लाइन चालू हो गया था। 4,000 से 6,000 पार्ट्स ट्रैवल ऑन एवरेज मोर देन 8 miles ऑन ईच असेंबली लाइन। Nearly 20 plants are operating at zero waste to landfill. इस प्रोसेस को कहते हैं असेंबली लाइन। तो ये 1920 में फोर्ड, ये जो आज आप देख रहे हो, उस समय भी फोर्ड का ही कंपनी चालू किया था। तो ये आज का लेटेस्ट दिखा रहा हूँ, 1920 का इमेज नहीं दिखा रहा हूँ, बट दिस इज वॉट इज असेंबली लाइन माई फ्रेंड। और ये नहीं कि इस वीडियो को, मुझे नहीं लगता कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है। सो यू ऑल नो व्हाट इट इज। सो आइए वापस, समझ में आ गई आपको असेंबली लाइन क्या है।
the economic growth also caused an unprecedented rise in stock market values. Unprecedented मतलब कोई रोकने वाला नहीं, एकदम दे दनादन रेट पे रेट बढ़ते जा रहा स्टॉक मार्केट का. तो ये तो चलो हमने एक ग्रोथ इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है. आगे एक और डिस्कशन दिखाते हैं हम आपको चाइना के बारे में. चाइनाज रीसेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड फाइनेंशियल मेहम, मतलब फाइनेंशियल मेहम मतलब एकदम क्राइसिस, पैसों का क्राइसिस, फाइनेंस का क्राइसिस, आर फॉस्टरिंग अ साइकिल ऑफ डिक्लाइन. फॉस्टरिंग अ साइकिल ऑफ डिक्लाइन, जैसे कि भाई अब तो नाउ दिस इज एक समझ में आ रहा अपने को कि भाई अब तो ये डिक्लाइन का साइकिल चालू हो गया. और ये डिक्लाइन कभी किसी को अच्छा नहीं लगता. कमाई कल तक 1 लाख रुपए की थी, आज वो कमाई 50,000 की हो रही है, फिर 40,000 की हो जाएगी, तो सबको घबराहट होता है, राइट. घबराहट को बोलते हैं पैनिक, डिक्लाइन एंड पैनिक अक्रॉस मच ऑफ द वर्ल्ड. सिर्फ हो रहा चाइना में, पर चाइना का हालत देख के बाकी लोगों को भी डर लग रहा है, अरे भैया कल को अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो. एज कंट्रीज ऑफ नियरली एवरी कॉन्टिनेंट सी एस्केलेटिंग रिस्क, अब सब देशवासी को, अलग अलग देश के सब लोगों को यही लग रहा है कि भैया रिस्क एस्केलेट मतलब बढ़ना रिस्क, एस्केलेटिंग रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग स्लम्प्स. भैया पहले तो स्लम्प मतलब एकदम मार्केट गिर गया है, मतलब तो भाई पहले तो साल दो साल में मार्केट उठ जाता था, बट इस बार जो मार्केट गिरेगा ना भैया, गिरा ही रहेगा 10 साल तक. एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन एंड फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि अब तो लोगों को दिख रहा ना कि वर्ल्ड लेवल का पॉलिटिक्स भी डिस्ट्रप्टेड है, वर्ल्ड लेवल पे कोई अच्छा लीडर नहीं है, फाइनेंशियल लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं. तो ये डिक्लाइन सिचुएशन था. ऊपर में हमने दिखाया आपको बूम एक्सपेंशन सिचुएशन, तो ये दोनों सिचुएशन आप देख चुके हो. अब यही बता रहे वॉट आर दीज, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल शोज दैट द यूके इकॉनमी वॉज गोइंग थ्रू बूम ड्यूरिंग 1920. बूम मतलब एक अच्छा एक्सपेंशन फेज. While the second example of the recent slowdown in China indicates beginning of a recessionary phase. Recessionary phase मतलब declining phase. We have seen in chapter 1 that economics is concerned with fluctuations in economic activity. Economics का तो मतलब ही है कि भैया fluctuation. Fluctuation मतलब जब अपने demand supply का बात कर रहे थे तो fluctuation in demand, प्राइस गिरना, तो इकोनॉमिक्स में तो हमको पता ही है कि ये तो होता ही है. द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नियरली ऑल कंट्रीज, इकोनॉमिक हिस्ट्री मतलब देखो इकोनॉमिक मतलब ये देखो पैसा से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है. तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नियरली ऑल कंट्रीज पॉइंट टूवर्ड्स द फैक्ट, एक फैक्ट है. हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में जाके अलग अलग कंट्री को देख लो, इंडिया को देख लो, चाइना को देख लो, यूके को देख लो, जर्मनी को देख लो, कहीं का भी देख लो. देखो अलग अलग कंट्री का ग्रोथ लेवल अलग अलग था अलग अलग टाइम पे. 1920 में असेंबली लाइन आ गया था यूके में, इंडिया में तो नहीं आया था, राइट. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल था, बट फिर भी अगर हिस्ट्री को मिलाएंगे देखेंगे एक फैक्ट की तरफ सब कोई इशारा कर रहा है, वो क्या है, दैट दे हैव गॉन थ्रू फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फ्लक्चुएशंस मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. इसका मतलब ये जो बिजनेस साइकिल का जो हमने डिस्कशन किया था, एक्सपेंशन होगा, पीक होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ट्रॉफ होगा, फिर एक्सपेंशन होगा. तो ये जितने भी देश है अलग अलग समय पर अलग अलग देश ने अपने अपने फ्लक्चुएशंस के साथ जूझा है, लड़ा है, झेला है और उसको झेल के खुद निकला है. दैट इज there have been periods of prosperity alternating with periods of economic downturns. तो अलग अलग देश में ऐसा हुआ है कि हम तरक्की भी किए हैं, उसके बाद हम स्लो डाउन भी किए हैं. These rhythmic fluctuations, वाह rhythmic fluctuations क्यों बोला जा रहा है. ए आर रहमान का गाना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, ये फ्लक्चुएशन, ये जो रिदम है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, म्यूजिक में जो रिदम होता है, रिदम मतलब क्या है, रिदम इज
इट हैज टू कम एंड गो, 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 दिस इज कॉल्ड रिदम। तो यही रिदम बिजनेस साइकिल, ऊपर बढ़ेगा, पीक में जाएगा, नीचे गिरेगा, फिर बैठेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो दिस इज एक्टिंग एज अ रिदम। ओके, सो दीज रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स और ट्रेड साइकिल्स। तो साइकिल मतलब क्या है, ये रिदम है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये रिदम ऊपर ऐसे आया, इतना ऐसे आया, फिर जल्दी आया, फिर ऐसे आया, फिर बहुत देर तक ऐसा रहा, फिर ऐसा आया। अब बीट्स जो है ना, ए आर रहमान का बीट्स में भी ऊपर नीचे तो आएगा ही, बट कोई बीट्स ज़्यादा है, कोई बीट्स कम है, तो ये है। बट दिस विल रिमेन लाइक दिस, ठीक है। कभी ये कभी इक्वल गैप में नहीं होता, ये इक्वल गैप में नहीं होता, ये कभी ऐसे, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी कम उठा, कभी ज़्यादा, तो ये रिदम रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा पूरा। अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज बाय राइजिंग प्राइसेस, जब अच्छा, सब कुछ अच्छा है तो राइजिंग प्राइसेस, एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। जब सब कुछ अच्छा होता है तो भैया कोई बेरोजगार नहीं होता, सबको कहीं ना कहीं काम मिला हुआ है। Altering with periods of bad trade characterized by falling prices, जब सिचुएशन खराब है, माल कुछ बिक नहीं रहा है, तो ये दाम भी गिरता ना, अरे यार ले ले यार, अरे रामलाल ले ले भाई, and high unemployment percentage, जब माल बिक ही नहीं रहा मेरे पास, तो यार मेरे पास कल तक 20 employee काम करते थे, मेरा business अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं धीरे धीरे भैया हाथ जोड़ूंगा, भैया एक काम करो प्लीज़, जब व्यापार अच्छा होगा तो मैं तुमको वापस जॉब में बुला लूँगा। तो ये तो समझ में आ ही रहा आपको। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया है, बिजनेस साइकिल में तो अपने को पता ही चल गया ऐसा साइकिल है। अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी एज मैनिफेस्टेड इन फ्लक्चुएशंस इन मेजर्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ये है, जैसे ये बढ़ रहा है, ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ रुक गया, फिर ये घट रहा है। Such as gross national product, unemployment and income. ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद एक ब्रेक देते हैं दोस्त। ब्रेक तक हम इस लेक्चर को यूट्यूब में डालेंगे, उसके बाद जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वही एक्सेस कर पाएंगे। A noteworthy characteristic of these economic fluctuations is that they are recurrent. Recurrent मतलब वापस से आएंगे, recur and occur periodically, that is they occur again and again, वापस से आना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर आना, नीचे जाना है, but not always at regular intervals, मतलब ये नहीं कि हर 3 महीना में, कभी 3 महीना भी हो सकता है, कभी 6 महीना भी हो सकता है, कभी 2 साल भी हो सकता है, but होगा जरूर। not they are at the same length, मतलब expansion पहुंच गया तो ये नहीं कि अब 6 महीना से एकदम पीक में है, कभी कभी पीक 2 महीना में है, कभी ऐसे टाइम फ्लक्चुएशन है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम बिजनेस साइकल्स हैव बीन लॉन्ग लास्टिंग फॉर सेवरल ईयर्स व्हाइल अदर्स हैव बीन शॉर्ट एंडिंग इन 2 to 3 years। मतलब कोई ग्रोथ साइकिल है कि भाई ग्रो हो ही जा रहा है, जैसे यहां से नीचे से अब ग्रोथ पकड़ रहा है, ग्रो हो रहा है, 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 1 साल हो रहा है, हो रहा है, 2 साल हो रहा है, हो रहा है, 3 साल 4 साल ग्रोथ चले जा रहा है, 5 साल 10 साल तक का ग्रोथ साइकिल रहा इस बार। और कभी कभी ऐसा होता है यहां तक आया फिर गिर गया, 4 साल तक ग्रो किया फिर गिर गया, तो ये अलग अलग सिचुएशन है। तो चलो दोस्त, विच हैव बीन शॉर्ट एंडिंग इन 2 or 3 years। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। बच्चों जिनको कोई भी हमसे सहायता चाहिए तो आपको हम BACA प्लेयर देंगे, आप हमको मेल, अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, BACA प्लेयर देंगे, इनक्रिप्टेड लेक्चर्स देंगे, इनक्रिप्टेड लेक्चर्स। इसका मतलब क्या होता है बता दे रहे हैं, ये लेक्चर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी प्लेयर पे ही चलेंगे, ठीक है। एक लेक्चर लगभग 300 MB का है, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट भी कंज्यूम नहीं होने वाला है।
एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, BSEA प्लेयर देंगे हम आपको, आप प्लेयर पे आराम से चला सकते हैं। जैसे आप प्लेयर पे चलाओगे, पूरे लेक्चर्स हम आपको देंगे जो 10 मिनट तक चलेंगे। उसके बाद वो एक लाइसेंस मांगेगा आपसे, ठीक है। लाइसेंस के लिए आपको दो कोड आएगा, कुछ की आएगा और टोकन नंबर आएगा, उसका स्क्रीनशॉट हमको भेजिए, हम आपको लाइसेंस देंगे, बस आपका क्लास एकदम चलेगा।